नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप इसके डेली हिंदी एडिटोरियल डिस्कशन में। फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चार आर्टिकल, जिसमें से पहला आर्टिकल है खाद्य तेल की कमी से रिलेटेड। ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इसको हम लोग देख सकते हैं कि अपने जैसे कि कह सकते हैं कि भाई ये दलहन और तिलहन की बातें हैं। तो जिस प्रकार से भारत जो दलहन और तिलहन में पहले आत्मनिर्भर हुआ करता था, हालांकि दलहन के मामले में तो है बट तिलहन के मामले में जिस प्रकार से यहाँ पास भारत में जो तो इसकी थोड़ी सी जो रेट है मार्केट रेट में काफ़ी ज़्यादा इसके प्राइस कम होने के कारण जो तो इसमें प्रोडक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिला, जिस कारण से इसकी इसमें भारत एक प्रकार से आयात पर निर्भर होता चला जा रहा है। तो उसी से रिलेटेड जो है तो इस आर्टिकल में काफ़ी अच्छा ये एडिटोरियल कह सकते हैं इसको, है ना। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे विस्तार से। वहीं पर नेक्स्ट आर्टिकल होगा जेलों में बंद गरीब निर्दोष पर भी हो जन विमर्श। ये अपने जो NCRB की हाल ही में रिपोर्ट आई थी तो उसमें से काफ़ी इसमें कह सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर फैक्ट दिए गए हैं, तो इसको आप लोग अपने मेंस कैंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं, काफ़ी इसको बेहतर कहा जा सकता है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वहीं अपना जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये पारदर्शिता का तकाजा, ये अपनी हाल ही में जो CGI को RTI के दायरे में लाया गया है ना, तो उसी के बारे में हम लोग इत्मीनान से स्पेशली इसमें RTI से रिलेटेड चाहिए पूरे फैक्ट जो भी हमारे बनेंगे, है ना, अपने मेंस आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हर डायमेंशन से हम लोग इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, है ना। और वहीं अपना लास्ट आर्टिकल है वर्जनाओं का जोड़ घटाओ महिलाओं के हिस्से ही क्यों, ये दैनिक भास्कर का बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो जिस प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ पर सभी जैसे कि हाल ही में महिलाओं के प्रवेश के लिए जैसे सबरीमाला मंदिर में प्रवेश संबंधित था, है ना, कुछ जैसे पारसियों के अग्यारी उनका जो पूजा स्थल है उसमें भी प्रवेश से कुछ ऐसी उनकी वर्जनाएँ हैं, तो इससे संबंधित जो भी कुछ मतलब कि इस तरह के हमारे समाज में धारणाएँ बनी हुई हैं ना, तो उसमें जो है किस प्रकार से महिलाओं को विभेद का शिकार होना पड़ता है ना, तो उसके संदर्भ में हम लोग यहाँ पास डिस्कस करेंगे। अच्छा आर्टिकल है ना, तो हम लोग चलते हैं अपने पहले आर्टिकल की तरफ। कि पहले जैसे हम बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ पास यहाँ कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे सरकार के द्वारा निजता के अधिकार उल्लंघन को लेकर के अभी जैसे आधार की जो वैधानिकता है ना, तो कभी फ़ोन टैपिंग का मामला अक्सर ही उठते ही रहते हैं, तो संविधान निर्माताओं ने इसे एक प्रकार से मौलिक अधिकार में नहीं रखा, लेकिन अदालत ने आर्टिकल 21 के जीवन के अधिकार का विस्तार करते हुए पहले तो ये कहा था कि इस अधिकार में गरिमा से जीवन का अधिकार शामिल है, फिर 2017 में जो है तो 910 की बेंच सुप्रीम कोर्ट की उसने जो है तो निजता को भी एक प्रकार से गरिमा का अभिन्न अंग मानकर उससे मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 में से इंक्लूड किया था, है ना। तो हम देखते हैं कि हाल की जैसे अब घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे खुलासे भी हो रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए फोन टैपिंग के मामले भी देखने को मिलते रहते हैं, तो इससे भी जो है आज़ादी और निजता के उल्लंघन के मामले देखे इन्हें भी एक प्रकार से माना जा रहा है ना, कि जो है तो आर्टिकल 21 का ये भी वायलेट करते हैं ये, तो इस इन मामले ये मामले हालांकि काफ़ी ज़्यादा मतलब चर्चित भी रहते हैं, है ना, लेकिन ये भी मतलब कि देखते हैं कि कई दशकों से जैसे भारत में हम बात करें कि जेलों में भी बहुत से ऐसे लोग बंद हैं जो कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि लगभग हर 3 में से 2 विचाराधीन कैदी होते हैं ना। तो यहाँ पास एक हम इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से हमारी अपनी जैसे न्याय प्रणाली के संदर्भ में हम बात करते हैं, तो यहाँ पास ये भी चीज़ देखने योग्य है कि किस प्रकार से हर 3 में से 2 विचाराधीन कैदी होते हैं। पहली बात तो ये है, ठीक है। उसके बाद इनमें से भी अधिकांश विचाराधीन जो कैदी होते हैं वे अपने हर अधिकार से वंचित होकर के तो एक प्रकार से उन्हें काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि ये सामाजिक कह सकते हैं मानसिक, है ना, आर्थिक हर दृष्टिकोण से उन्हें प्रताड़ना का शिकार मतलब कि होते ही हैं, क्योंकि एक तो समस्या ये होती है कि जैसे कि कुछ गरीब लोग ऐसे होते हैं कि जो कि वकील हायर करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं ना, तो क्या है कि जब ये होते हैं तो इनको जब पता होता है कि विचाराधीन कैदियों में लगभग यदि हम देखें तो और भी ज़्यादा मतलब कि ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ये आंकड़े देख सकते हैं कि 2/3 जो लोग हैं तो वो लगभग निर्दोष करार दिए जाते हैं, है ना। ये विचाराधीन कैदियों में से भी 2/3, है ना, ये निर्दोष होते हैं, और उनमें से उन्हें यदि हम बात करते हैं कि जैसे कि कह सकते हैं कि उनका कुछ कसूर तो नहीं होता लेकिन वो अधिकार से वंचित करता हुआ सलाखों के पीछे उन्हें ठूस दिया जाता है, है ना। इस प्रकार से हमारा जो सिस्टम है तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो पेचीदा सिस्टम है उसके हिसाब से कह सकते हैं, है ना। जैसे कि हम देखें कि देश के लगभग अधिकांश राज्यों में स्थिति इसी तरह से मतलब कि कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा दयनीय है, है ना। यदि हम देखें कि अगर 7 व्यक्ति जेल में हैं तो लगभग एक ही उसको सजा पाता है, है ना, 7 में से 1 व्यक्ति है जो जिसको एक प्रकार से सजा होती है, बाकी जो 6 होते हैं वो विचाराधीन कैदी हैं, है ना। अब यदि हम थोड़ा NCRB की रिपोर्ट की तरफ ध्यान दें तो उसके अनुसार देश में लगभग सजा की जो न्यूनतम दर है वो मात्र 9% है, है ना। यानी कि सज़ा की दर यहाँ पास जो है तो जिस प्रकार से लोग गिरफ्तार होते हैं उसमें से भी फाइनली जिनको सज़ा मिलती है उनकी जो हम रेशियो की बात परसेंटेज की बात करें तो उनको लगभग 9% लोग ऐसे हैं जिनको पूरी तरह से मतलब सज़ा होती है, और यानी हम देखें कि उनमें भी
हर 10 में से केवल एक ही जो होता है वो अदालत के द्वारा दोषी पाया जाता है। अब इसमें से भी यदि हम देखें तो हर 10 में से एक को ही अदालत के द्वारा दोषी करार दिया जाता है। और वहीं यदि देखें कि हम केरल के मामले में देखें तो केरल पुलिस ने लगभग 10 लोगों को अभियुक्त या बंदी बनाया था, तो उनमें से लगभग लगभग 9 लोगों को दोषी पाया गया था। यानी कि वहाँ पास कह सकते हैं कि जो तंत्र है या कह सकते हैं कि जो वहाँ पास मतलब कि इसकी जो दर है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उच्च है ना। अब ये थोड़ा सा हम एक इस पर ध्यान दें कि जैसे कि इसमें कुछ ऐसे ही फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि वहाँ पर जैसे ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वहाँ की जो सज़ा की दर है केरल में तो 89% है ना। वैसे तो भारत के संविधान के पहले 4 शब्द जैसे बात करें हम भारत के लोग, ये चीज़ें तो आती हैं, लेकिन जब आंकड़ों की बात करते हैं तो यहाँ पास हमें दो भारत देखने को मिलते हैं। दो भारत के संदर्भ में देखें तो यहाँ पास एक भारत की बात करें तो हम गरीब के संदर्भ में बात करते हैं कि गरीब वहाँ पास जैसे हम जो कि वकील को फीस देने में भी कैपेबल नहीं होते हैं, इस कारण उनकी जमानत ही नहीं हो पाती है। यानी कितनी हम शर्मनाक स्थिति कह सकते हैं कि लोग इस कारण से सजा पाते हैं कि आर्थिक तंगी के रूप से कि वो अपने वकील को ही फीस नहीं दे पाते हैं कि उनकी जमानत हो सके, है ना। इस कारण उनको जेल में फालतू मतलब लंबे समय तक रहना पड़ता है। वहीं दूसरा जो भारत की बात की जा रही है तो दूसरा भारत एक गरीब हो गया, एक अमीर है। ये अमीर क्या है, जो अपने फ़ोन के संदेश जो है दूसरे को ज्ञात होने के जो है तो प्रजातंत्र का एक प्रकार से कह सकते हैं कि उसको कैसा वो अपने कहते हैं राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन हो रहा है ना। और संसद और सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों को लेकर के चिंतित हो जाती है, जबकि जिनको लेकर के चिंतित होने की ज़रूरत है गरीबों को है ना, तो इनके संदर्भ पर उस तरह की जो पहल है वो देखने को नहीं मिल रही है। कंपेरिजन यहाँ की इनकी जो है तो छोटी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी इशू बन जाती हैं, जबकि जिनकी काफ़ी बड़ी समस्याएँ होती हैं तो उनको बहुत छोटे स्तर से देखा जाता है, क्योंकि वो खुद कैपेबल नहीं होते हैं तो आर्थिक रूप से। और जब आर्थिक इस प्रकार के जब कोई व्यक्ति होता है तो उसका सामाजिक स्तर तो समझ सकते हैं आप लोग किस प्रकार से लो हो जाता है ना, तो उसी की बात होती है। तो इस आर्टिकल में इतने चलते अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये आर्टिकल है खाद्य तेल की कमी से रिलेटेड आर्टिकल है। इस आर्टिकल में देखते हैं जैसे कि हाल ही में जो यहाँ पास वाणिज्य उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय ने कृषि मंत्रालय से ये मतलब कि आग्रह किया था कि वो खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करने कुछ योजना तैयार करे, है ना। तो यदि हम इसको देखा जाए तो ये आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा तार्किक भी प्रतीत होता है, ये जो उसने रिक्वेस्ट किया है इस मामले में आत्मनिर्भरता के संदर्भ में, है ना। तो इसमें भारत को काफ़ी कठोर और तत्कालीन कदम उठाने की ज़रूरत भी है, है ना। जैसे कि खाद्य तेल की जरूरत पूरी करने के लिए आयात पर हमारी जो निर्भरता है वो लगभग लगभग बढ़ती जा रही है ना। कैसे, यदि हम देखें कि जो हमारी निर्भरता है तो 65 से बढ़कर के 70% तक हो गई है। 65 से 70% तक जो है तो खाद्य तेलों की हम आयात करते हैं, है ना। अब ये देखते हैं कि कच्चे तेल और सोने के बाद यदि हम बात करें तो देश का जो सर्वाधिक आयात होता है तो वो इसी क्षेत्र में होता है, है ना। इसी मतलब कि बात करें कि खाद्य तेल जो कच्चे तेल है और सोने के बाद जो है तो जो खाद्य तेल है उसका देश का सर्वाधिक आयात इसी में किए जाने वाला उत्पाद है, ठीक है। यदि हम देखें कि मूल्य निर्धारण नीतियों और टैरिफ ने तो जो है तो तिलहन उत्पादन को आर्थिक रूप से अव्यवहार्य बना दिया है, है ना। क्योंकि इससे क्या होता है घरेलू जो तिलहन प्रसंस्करण उद्योग है उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। कैसे, जैसे कि स्थानीय स्तर पर क्या तिलहन पिराई क्षमता का बड़ा हिस्सा या तो बेकार है या फिर उसका क्षमता से कम इस्तेमाल हो रहा है ना। वहीं हम बात करें कि खली निर्यात पर भी एक प्रकार से इसका नकारात्मक असर देखने को मिला है। ये देखते हैं कि इसका ये कोई पहली बात नहीं है, बल्कि जब व्यापक इस्तेमाल की ऐसी अनिवार्य वस्तु के लिए हमारी जो आयात निर्भरता है उस पर ध्यान आकृष्ट किया गया, ये कोई पहली बात नहीं है ना। यदि हम देखें कि पहले भी जो है तो इसके मामले में मतलब कि बजट में भी जो है तो तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की बातें काफ़ी कुछ देखने को मिली थी ना। उसमें भी जो है तो दलहन का उदाहरण दिया गया था कि जब ये मतलब कि हम ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं मतलब दलहन में भारत जो है आत्मनिर्भर हो चुका है ना। तो लेकिन इस चीज़ को फिर धीरे धीरे एक प्रकार से भुला दिया जाता है। तिलहन और दलहन तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, यदि हम देखें तो इनकी चुनौतियाँ भी अलग अलग देखने को मिलती हैं ना। जैसे इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें अलग अलग डायमेंशन से सोचने की भी जरूरत है, अलग अलग तौर तरीके भी अपनाने की जरूरत है। जैसे कि ये तो सही है कि दोनों नीतिगत खामी और गलत बाजार हस्तक्षेप के शिकार हैं, है ना। यदि हम देखें जैसे इन्हें लेकर जैसे प्रतिक्रियाएं भी वो अलग अलग देखने को मिलती हैं, है ना। यदि हम देखें कि इसके पीछे भी कुछ रीज़न हो सकता है, क्योंकि जैसे बाहरी कारक जिम्मेदार भी कुछ ऐसे इसके लिए हो सकते हैं, है ना। खासतौर पर देखें उपलब्धता और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो मूल्य का रुझान है वो भी इसके लिए उत्तरदायी कारण हो सकते हैं। जैसे कि दालों की घरेलू कीमतें आयात शुल्क में नियमित बदलाव के बावजूद भी अप्रभावित रहीं, क्योंकि वैश्विक बाजार में उनकी आपूर्ति सीमित थी, है ना। दालों के संदर्भ में बात करें, दलहनों की बात की जाए तो उनके उसमें तो ज़्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिला, है ना। लेकिन यदि हम तिलहन की बात करें तो तिलहन में जो है तो इसका काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक असर जो है तो पड़ा है, है ना। इसकी इसके पीछे रीज़न ये है कि जो इसकी उपलब्धता है तो प्रचुर मात्रा में है ना। अब यही कारण जैसे हम देखें कि किसान जो है तो तिलहन उत्पादन बढ़ाने को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं दिखते हैं, है ना। तो देखते हैं कि जब वैसे भी इनकी जो है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उत्पादन इनका देखने को मिल जाता है, तो इसलिए जो है तो हमारे मतलब कि जो और किसान हैं तो इसके लिए ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं होते, क्योंकि इनके दाम भी ज़्यादा उनको अच्छे नहीं मिल पाते हैं, तो ज़्यादा इसके उत्पादन के लिए भी ज़्यादा अपना मतलब कि वो नहीं करते हैं, रुझान नहीं दिखाते हैं, है ना। लेकिन मतलब कि अच्छी बात तो यह है कि तिलहन उत्पादन बढ़ाने वाली जो तकनीक है हमारे यहाँ मौजूद है,
है ना, शोध क्षेत्र और आम किसान के खेत में जो होने वाला उत्पादन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है ना। ये इसका एक उदाहरण के तौर पर इसको देख सकते हैं कि चीज़ें तो मतलब कि हमारे यहाँ वेल प्रूफ मौजूद हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा मतलब कि इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। जैसे देखें कि तिलहन उत्पादक जो है ये तकनीक जो है तो निवेश करना नहीं चाहते, क्योंकि मौजूदा जो उपभोक्ता उन्मुखी और उत्पादक विरोधी जो नीति है उन्हें पर्याप्त प्रतिफल को लेकर अनिश्चितता नजर आती है। कैसे कि जो हमारी जो टेक्नोलॉजी तो बढ़िया ठीक ठाक ही है, बट इन जो तकनीक है इनमें भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोत्साहित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो हमारी ये उपभोक्तानुमुखी संस्कृति होती जा रही है इस संदर्भ में कि हम ज़्यादा मतलब कि उपभोग करने के लिए तो हैं लेकिन उत्पादन करने पे ज़्यादा उसके पक्षधर नहीं है, है ना। तो इसका जो हमें आउटकम कह सकते हैं तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा अनिश्चितता देखने को मिलती है, उसके सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलते। इससे जो उनको प्रोत्साहन किसानों को पर्याप्त तरीके से नहीं मिल पाता है, अनिश्चितता के शिकार होते हैं, है ना। तो खाद्य तेल में जो आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए हमें अपने उपज को काफ़ी ज़्यादा आकर्षक बनाने की जरूरत है, और साथ ही साथ जो हमारे उपज है तो उसको भी उसके जो मूल्य हैं वो दाम जो है उनके तो काफ़ी ज़्यादा आकर्षक मूल्य होंगे, तब जो है जो किसान है तुम्हारे वो भी जो है तो इनके तिलहनों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होंगे, है ना। यदि हम बात करें 1980 के आखिर और लगभग 1990 के शुरुआती वर्षों में लगभग उच्च कीमतों की बदौलत जो है भारत दुनिया के सबसे बड़े खाद्य तेल आयातक से शुद्ध निर्यातक तक का सफर तय करने में कामयाब रहा था। यानी कि भारत जो है तो 1980 से 90 के दशक में जो है तो खाद्य तेल के उसमें एक प्रकार से आत्मनिर्भर था, है ना। लेकिन अब जैसे बात करें कि 1986 में भी इसे पीली क्रांति का नाम भी दिया गया था, जो तिलहन के आयात निर्यात और घरेलू मूल्य निर्धारण से संबंधित नीतियाँ इसमें बनाई गई थी, है ना, पीली क्रांति के उसमें। तो इस मिशन के तहत जैसे तिलहन और खाद्य तेल कीमत है उनको भी एक तय दायरे में ऊपर नीचे मतलब कि एक उनका क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया गया था, है ना। तो अपने हिसाब से फ्लैक्चुएट करके उसके जो दाम होते थे वो होते थे, बैलेंस होते थे। इसी समय जो तो उपभोक्ता और उत्पादक जो है दोनों के भी हितों का ख्याल रखा गया था। तो इससे जो है तो बाजार हस्तक्षेप तो केवल तभी किया गया जब कीमत तक दायरे से बाहर गई थी, है ना। ज़्यादा मतलब उसको मतलब बाजार को ज़्यादा कह सकते कि विरूपित करने का या उसमें ज़्यादा प्रयास मतलब कि नहीं किया गया था, है ना। बाजार अपने हिसाब से मतलब कि बैलेंस हो रहा था, और उसमें जो है तो बाजार जो है तो एक प्रकार से बैलेंस में ही था। वही बात करते हैं कि इसमें मतलब कि कह सकते कि खेद की बात तो ये है कि जैसे इसमें से जो स्वायत्तता है तो धीरे धीरे ख़त्म कर दी गई, है ना। और 1990 के दशक के बाद यहाँ पर देश में एक बार से फिर से खाद्य तेल के मामले में हम आयात पर निर्भर होते चले गए, है ना। तो यदि हम बात करें कि यहाँ पास स्पेशली यदि हम रीज़न की बात की जाए तो यहाँ पास जो तो काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप जो है तो यहाँ पास बाज़ार में किया गया, है ना। इनके दामों में मतलब कि तिलहन के जो दाम हैं तो उनमें भी काफ़ी ज़्यादा कम कर दी गई, इससे जो तो हमारे जो उत्पादक वर्ग है वो काफ़ी ज़्यादा हतोत्साहित हुआ, है ना। तो इससे जो है तो ये चीज़ें मतलब कि इसके उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कह सकते हैं कि देखने को मिला कि काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई, है ना। तो हम आयात पर धीरे धीरे निर्भर होते चले गए, और जो हमारी मूल तकनीक मिशन और उसी तरह की जो शक्तियाँ उनके प्रयोग तथा मूल्य निर्धारण नीति की सहायता से भी पीली क्रांति को एक बार से फिर से हमें एक प्रकार से अंजाम दिया जा सकता है, है ना। ऐसा करके हम एक बार से फिर खाद्य तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकते हैं, है ना। तो ये आर्टिकल यहाँ तक हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये आर्टिकल है पारदर्शिता का तकाजा, ये RTI से रिलेटेड आर्टिकल है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, हम इसके बारे में काफ़ी विस्तार से डिस्कस करेंगे RTI से रिलेटेड, है ना। तो देखते हैं कि जैसे कि कानून तो सभी के लिए एक प्रकार से बराबर ही है ना, उससे ऊपर तो कोई ही नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को स्पष्ट भी किया अपने जजमेंट देते समय, जिसमें उसके से जो प्रमुख न्यायाधीश हैं उनके कार्यालय को भी RTI, है ना, के दायरे में लाया गया था। उसकी जो मांग की गई थी तब उसके फैसले में उन्होंने मतलब कि कहा गया। तो हालांकि हम बात करते हैं कि एक आम व्यवस्था तो है कि संविधान और कानून की जो कसौटी है उस पर देश का सभी नागरिक और समूची जो व्यवस्था है उसको भी संचालित करने वाला हर व्यक्ति उसके बराबर है, है ना। देखे थे, लेकिन ये भी सच है कि कुछ मामलों में जैसे कि एक धारणा और स्थापित परंपराओं की वजह से किसी व्यक्ति या पद को लेकर के एक कुछ फ्लैक्चुएशन या कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी जा सकती है ना, उसमें मतलब कि ऐसे प्रावधान हुए हैं। थोड़ा सा हम पहले यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे RTI से रिलेटेड, उसका बैकग्राउंड जानेंगे। ये हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक प्रकार से कह सकते कि आपके लिए जो बेसिक पूरी RTI की यहाँ पास हम यहाँ पर बताना चाहेंगे, तो बेहतर तरीके से आप यहीं कहीं पास इसको नोट के हिसाब से अपना नोट डाउन भी कर सकते हैं नोट बनाने के लिए, है ना। और ये जो है तो आप इसको कहीं भी जो तो RTI से रिलेटेड या कि गवर्नेंस में जहाँ भी इसकी जरूरत रिक्वायरमेंट होगी RTI से रिलेटेड, तो आप ये कंटेंट का इस्तेमाल अपने ढंग से कर सकते हैं बेहतर तरीके से, है ना। तो थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड में चलेंगे अपने कि किस प्रकार से आखिर RTI की शुरुआत किस प्रकार से हुई, ग्लोबल लेवल पर भी बात करेंगे, है ना। तो ये देखते हैं कि जो वैश्विक स्तर पर जो सूचना का अधिकार है तो उसको किस प्रकार से नए रूप में देखने को मिला, जब 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा यूनिवर्स डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, है ना, तो इसको जब अपनाया गया था तभी से इसका जो है सूत्रपात माना जा सकता है। इसी के माध्यम से जो है तो सभी को जो मीडिया या अन्य माध्यम से सूचना मांगने या प्राप्त करने का अधिकार दिया गया था। अब यदि बात की जाए, एक हम कथन की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो अमेरिका के थर्ड राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन थे उन्होंने कहा था कि सूचना लोकतंत्र की मुद्रा होती है एवं किसी भी जीवंत समाज के उद्भव और विकास में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है सूचना, है ना। वहीं
यदि हम देखें कि भारतीय लोकतंत्र है उसको मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भारतीय संसद ने भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को लागू किया है, है ना। इसी को उस पर यदि हम थोड़ा सा इसके महत्वपूर्ण प्रावधानों पर चले कि इसके क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, तो उस पर देखते हैं कि ये जो एक्ट बना है तो इसमें जैसे कि भारत का कोई भी नागरिक है वो किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है और ये जो सूचना है उसे 30 दिन के अंदर उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसी हमारी व्यवस्था इसमें की गई है। और यदि मांगी गई जो सूचना है वो उस दायरे पर उस जो समय दिया गया है उस पर यदि नहीं उपलब्ध कराई गई, है ना, और यदि ये देखते हैं कि मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्ति को स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना को तो 48 आवर के अंदर ही उपलब्ध कराने की जरूरत है, है ना। ऐसा मतलब कि उसमें प्रावधान किया गया है कि ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण सूचनाओं को भी ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, है ना, कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन से रिलेटेड जो जो भी सूचना है उनको विदिन 48 आवर के अंदर आपको वो उपलब्ध करा दी जाएंगी इसी एक्ट के तहत। और इस अधिनियम में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेजों का संरक्षण करते हुए उन्हें कंप्यूटर्स में सुरक्षित रखेंगे, है ना। एक का से डिजिटल फॉर्म की भी बात की गई है। वहीं प्राप्त सूचना की जो विषय वस्तु है उसके संदर्भ में यदि असंतुष्टि निर्धारित अवधि में सूचना प्राप्त न होने आज जैसी स्थितियाँ निर्मित होती हैं तो स्थानीय से लेकर के राज्य और केंद्रीय सूचना आयोग में भी अपील की जा सकती है, ना। ये मतलब कि आपको एक प्रकार से कह सकते हैं कि RTI से रिलेटेड आपको एक बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए, है ना। यदि हम देखें कि इस ये जो एक्ट है इसके जरिए हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के साथ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, नियंत्रक क्या कह सकते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है, है ना, और इलेक्शन कमीशन जैसे जो संवैधानिक निकाय हैं और उनसे संबंधित जो पद हैं उनको भी सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है, है ना। ये महत्वपूर्ण बात है। वहीं इस एक्ट के अंतर्गत केंद्र स्तर पर एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और 10 या 10 से कम सूचना आयुक्तों की सदस्यता वाले केंद्रीय सूचना आयोग का गठन होगा, उसका प्रावधान इसमें किया गया है। और इसी के आधार पर राज्य में भी एक राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। केंद्र में केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य में राज्य सूचना आयोग का गठन होगा। और ये जो एक्ट है तो यहाँ पास जैसे कि पहले जम्मू कश्मीर के उसमें अपवाद के तौर पर बताया गया था, है ना, कि वहाँ पास प्रभावी नहीं था, लेकिन अब ये जो है तो यहाँ पास भी प्रभावी हो गया जब से अपना आर्टिकल 370 खत्म हो चुका है, एबॉलिश हो गया है, है ना, और 35A भी जो स्पेशल कुछ वो राइट्स वहाँ पर दिए जाते थे, है ना, तो वहाँ भी ये चीज़ प्रभावी हो चुकी है। और इसके अंतर्गत जो सभी संवैधानिक निकाय हैं, संसद अथवा राज्य विधानमंडल, अधिनियमों द्वारा गठित संस्थान और निकाय, ये भी सभी इसमें शामिल हैं। अब देखते हैं कि जो राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सामरिक हित आदि पर जो प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली जो सूचनाएं हैं उनको भी प्रकट करने कोई भी बाध्यता नहीं है, है ना। ये ध्यान देने वाली बात है कि इनसे जो है तो इन पर ज़्यादा आप मतलब कि ये चीज़ें यदि आप मांगते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत तो ये आपको ज़रूरी नहीं कि दी ही जाएंगी, है ना। अब चलते हैं कि जो RTI एक्ट है इसके उद्देश्य क्या है, ये भी ज़्यादा जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, है ना। तो स्पेशल आप लोगों की चीज़ पता ही होगा, गवर्नेंस आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, है ना। तो आप पास फिर भी हम थोड़ा सा स्पीड से इसको देख लेते हैं कि RTI एक्ट के उद्देश्य क्या है। पारदर्शिता को लाना, जवाबदेही तय करना, है ना, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए, नागरिकों को सशक्त भी बनाना है, भ्रष्टाचार पर रोकने के लिए, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए, लोकतंत्र की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी भी सुनिश्चित करने के लिए। और यदि हम देखें कि RTI की उपलब्धियों के संदर्भ में बात की जाए तो RTI की जो उपलब्धियाँ भी काफ़ी ज़्यादा कारगर भी रहा है, है ना। कैसे, यहाँ पास हम देखते हैं कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण यहाँ पास देखने को मिले हैं। RTI ने इसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतर इसमें सफल भी रहा है। RTI देखते हैं, जैसे कि फेमस था 2G घोटाला। 2G घोटाला ये क्या था इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि जो था तो जो उच्च पद पर जो बैठे अधिकारी थे उनके द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग जब किया गया था तो उससे जो है तो उसका एक महत्वपूर्ण ये उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है इसे, है ना। इसी घोटाले के कारण लगभग भारत सरकार को लगभग 176,645 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था, है ना। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि जो सबसे बड़ा घोटाला या बड़ा जो घोटाला था तब सामने आया था जब RTI कार्यकर्ता ने अधिनियम का उपयोग करके इसके खिलाफ RTI दायर की थी, है ना। ये 2G घोटाला ये RTI की उपलब्धता के तौर पर इसे देखा जा सकता है। वहीं 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स, उसमें भी RTI की काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से सराहना हुई थी क्योंकि इसमें भी देखा गया कि जो एक NGO था उसके द्वारा जब RTI से ये पता चला था कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए जो दलित समुदाय के कल्याण में रखे गए फंड थे, है ना, दलित समुदाय के रखे हुए जो कल्याण के लिए जो फंड थे उससे लगभग 744 करोड़ रुपये निकाले थे। साथ ही RTI से ये भी पता चला था कि निकाले गए जो पैसे हैं उनका प्रयोग जिन सुविधाओं पर किया गया है तो वे सभी मात्र कागजों पर ही थे, वो जमीनी स्तर पर नहीं थे, सिर्फ दिखाए गए थे। तो ये भी कह सकते हैं कि RTI की महत्वपूर्ण उपलब्धि के अचीवमेंट के तौर पर इसको देखा जा सकता है। वही हम देखें कि सूचना जो अधिनियम है उसमें जो हाल में कुछ संशोधन भी देखने को मिले हैं, है ना, तो कुछ में इन संशोधनों की आलोचना भी देखने को मिली है, तो इनके बारे में थोड़ा सा प्रयास करेंगे देखने का। तो ये एक कह सकते हैं कि आप लोगों को अपडेट भी इससे आप अपडेट भी हो जाएंगे अपने जो मेंस आंसर राइटिंग होगी तो उसमें जो अपडेट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे जो
कह सकते हैं कि जो हम सब्जेक्ट तो पढ़ते हैं, लेकिन सब्जेक्ट तो वो एक स्टैटिक पोर्शन होगा, जब तक हम उसको करंट से अपडेट नहीं करते हैं तो उसकी कोई भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रह जाती है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है, क्योंकि यूपीएससी के जो भी क्वेश्चन मतलब कि बनते हैं मेंस के, है ना, इवन प्री के भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, तो वो करंट में कुछ ऐसी जो कह सकते हैं कि बड़े कह सकते हैं घटनाएं जो हुई होती हैं, है ना, उनका काफ़ी ज़्यादा व्यापक प्रभाव पड़ता है, तो वही घटनाएं जो होती है पूछी जाती हैं, और जब उसका जो है तो वो फोकस होकर के उस करंट बेस पे ही उसको पूछा जाता है, जब आप उसी चीज़ को वही उसी करंट के कंटेंट को नहीं डालोगे तो फिर आपका जो आंसर है तो निरर्थक हो जाता है, उस आंसर की भी कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रह जाती है, वो तो फिर आपका जीरो रह गया, वही स्टैटिक आप लिख दोगे, आरटीआई बताओगे, नॉर्मल नंबर भी क्या मतलब है, जब आप स्पेशल उसमें अपडेशन नहीं करोगे, इसीलिए यहाँ पर जो है तो आपकी करंट की, आपकी एडिटोरियल की, आपके जो आर्टिकल ये होते हैं तो इनकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, यहाँ पर इन्हीं की भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो है तो आपको समय समय के साथ जो है तो आपको टॉपिक से आपको अपडेट रखते हैं, है ना, तो इसीलिए जो अपडेटेड अपडेट चीज़ें होती रहती हैं उनको आप अलग से नोट्स बना करके उनमें इन चीज़ों को अपडेट चीज़ों को अलग करते रहें, और जहाँ पास ये टॉपिक आपको दिखें तो वहाँ पास इन चीज़ों को अपडेट कर लें, उनको ऐड कर लें उसी में, है ना, तो इसीलिए जो है तो इन चीज़ों की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। तो यदि हम देखें कि हाल ही में जो कुछ संशोधन आरटीआई में हुए थे, वो तो पहले तो था 2005 वाला एक्ट बन गया था, अब उसमें तो संशोधन भी समय के साथ होते ही रहते हैं, क्योंकि हर चीज़ें एक ही जैसी हरदम नहीं रहती है ना, समय के साथ उसमें बदलाव भी होता रहता है। यदि हम देखें कि यहाँ पर जो है तो कुछ ये प्रावधान किया गया था संशोधन में कि जो मुख्य सूचना आयुक्त थे और सूचना आयुक्त थे, है ना, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त ये केंद्र वाले, और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त, इनके जो वेतन भत्ते और सेवा की जो अन्य शर्तें हैं वो कौन डिसाइड करेगा, केंद्र सरकार के द्वारा तय की जाएगी, ये महत्वपूर्ण बात है, ये इसमें संशोधन हुआ था, है ना, कि इनके जो वेतन भत्ते और सेवा की जो अन्य शर्तें हैं तो केंद्र सरकार के द्वारा तय किए जाएंगे। और यदि महत्वपूर्ण तो ये है कि आरटीआई एक्ट की धारा 13 है उसमें जो मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की जो पदावधि और सेवा शर्त है उनका उपबंध किया गया है, ध्यान देने वाली बात है कि आरटीआई एक्ट की धारा 13 में इनका उपबंध था। वहीं इस एक्ट में ये भी कहा गया था कि जो मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त हैं इनका जो वेतन भत्ता और सेवा शर्तें हैं क्रमशः मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के ही समान होंगी। इसमें ये भी उपबंध थे कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों का वेतन क्रमशः निर्वाचन आयुक्त और मुख्य सचिव के समान होगा, लेकिन अब ये चीज़ें भी चेंजेस की गई हैं, यहाँ पास भी ये ध्यान देने वाली बातें हैं, है ना। और हम देखें कि यहाँ पास हालांकि कुछ इसमें थोड़ा सा इसको क्रिटिसाइज भी किया गया कि जैसे कि कुछ ज़्यादा ही सेंट्रलाइजेशन किया गया, इससे जो है तो जो अधिकारी एक तरह से स्वतंत्र ढंग से जो डिसीजन लेते थे कुछ भी करते थे उसमें जो है तो केंद्र का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा, इस प्रकार से उसको क्रिटिसाइज भी किया गया था उस संशोधन को, जो यहाँ पास अभी हाल ही में जो डिसाइड करने का सेवा सब थे उसके वेतन बत्ते थे, है ना, तो केंद्र के द्वारा डिसाइड करने का। अब यदि हम देखें कि एक और चेंजेस हुआ था, है ना, तो ये तो आप लोग मतलब किसी ये हाल ही की जैसे घटना थी, देखते हैं कि यहाँ पर जैसे आरटीआई के तहत जो है तो आवेदन देकर सीजीआई के जो कार्यालय से उससे भी सूचना मांगी जा सकती है, ये भी एक अपडेट हो गया है, है ना। हालांकि देखें कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो गोपनीयता, स्वायत्तता और पारदर्शिता, इनमें संतुलन जरूरी है, है ना। यदि हम देखें कि न्यायिक व्यवस्था के दो पक्ष होते हैं, एक तो न्यायपालिका और दूसरा न्यायपालिका का प्रशासन, है ना, तो उच्चतम न्यायालय ने यहाँ स्पष्ट किया है कि न्यायपालिका आरटीआई के दायरे में न तो पहले आती थी और न ही अब आती है, ये ध्यान देने वाली बातें हैं, क्योंकि बारीकी यही बारीकी चीज़ें होती हैं जो यूपीएससी पूछ लेता है और फिर चीज़ें नहीं बनती हैं आप लोगों से, है ना, तो ये ध्यान देने वाली बातें हैं कि यहाँ पर कहाँ पास आरटीआई का दायरा बढ़ा है ना, यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं ध्यान से। लेकिन न्यायपालिका का जो न्यायिक प्रशासन है वो सार्वजनिक प्राधिकरण होने के कारण आरटीआई के अंतर्गत आता है, यानी न्यायिक प्रशासन न्यायपालिका का आया है आरटीआई के दायरे में, ना कि न्यायपालिका, याद रखने वाली बातें हैं, है ना। यदि हम देखें कि ये भी महत्वपूर्ण है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है उसकी धारा 2H के तहत जो सार्वजनिक प्राधिकरण है उससे तात्पर्य क्या है, जो सार्वजनिक प्राधिकरण वो ऐसे संस्थाएं हैं जो संविधान या इसके अधीन बनाए गए किसी अन्य विधान के द्वारा निर्मित हों, राज्य विधानमंडल द्वारा या इसके अधीन बनाई गई विधि द्वारा निर्मित हों, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी किसी अधिसूचना या आदेश के द्वारा निर्मित हों, पूर्णतः या अल्पतः सरकारी सहायता प्राप्त हों, है ना। वहीं इनको इसमें एनजीओ को भी आप लोग थोड़ा इंक्लूड कर सकते हैं, हालांकि अभी हाल ही में पिछले कुछ मतलब कह सकते हैं कि एक डिसीजन आया था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को स्पष्ट किया है, है ना, इसमें कि एनजीओ भी जो गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पे फंडेड हैं वो भी आईटीआई के दायरे में आएंगे, उन्हें भी जो है तो सूचना देनी ही होगी, है ना, वो बताएं। तो ये भी इससे हम यहाँ पास इस चीज़ इंक्लूड भी थी ऑलरेडी। वहीं जो सुप्रीम कोर्ट के ये भी जो निर्णय आया है कि इसके बाद जैसे सीजीआई कार्यालय के द्वारा आरटीआई आवेदन स्वीकार कर सूचना प्रदान की जाएगी ये तो फिक्स हो गया। महत्वपूर्ण ये भी है कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है 2005 की धारा 2F के अनुसार सूचना का अर्थ क्या है, तो हम ये भी देखते हैं कि सूचना का अर्थ है अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, ईमेल भी है याद रखने की वाली बात है ना,
कोई भी मत, कोई भी सलाह या सजेशन, प्रेस का प्रकाशन कोई हो, है ना, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, संविदा रिपोर्ट, नमूने, आंकड़े, यांत्रिक रूप में उपलब्ध कोई भी डाटा या सामग्री जिसकी जानकारी जन प्राधिकारी के द्वारा विधिवत प्रदान की जा सकती है, है ना, ये सभी आएंगे हमारे डाटा इसमें। अब थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण, जैसे कि कुछ चीज़ें, मतलब ये चीज़ें चर्चित ही रहती हैं, है ना, तो इसमें भी ध्यान देने वाली बातें हैं कि आपको कभी कभी मतलब कि यूपीएससी थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा करके पूछ देता है, तो इनमें भी थोड़ी सी आप लोग को इनमें भी स्पेसिफिक फोकस करने की जरूरत है। जैसे कि स्वतंत्र न्यायपालिका और पारदर्शिता, इनमें किस प्रकार के मतलब कि देखें, तो हालांकि इन चीज़ों में भी थोड़ा सा कुछ मतलब कि मतभेद देखने को मिलते हैं। जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा की बात की तो केशवानंद भारती के जजमेंट में ये देखने को मिला था कि संविधान किसी आधारभूत बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पे डिसाइड किया गया था, है ना, तो इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, ये तो बता ही दिया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि पारदर्शिता के नाम पर न्यायपालिका को नष्ट नहीं किया जा सकता है, है ना, तो पारदर्शिता स्वतंत्र न्यायपालिका के कार्य में बाधक नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा को और भी ज़्यादा सशक्त बना देती है। पारदर्शिता रहने से कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक स्वायत्तता को संकुचित करने का प्रयास नहीं कर सकता कि आप पारदर्शिता का मतलब कि नकाब ओढ़ किया जाए और न्यायपालिका को एक प्रकार से जो उसका स्ट्रक्चर जो जिस प्रकार से बेहतर तरीके से काम कर रही है तो उसकी सॉवरेंटी या उसके कह सकते हैं कि जो उसकी स्वायत्तता है उसको आप भंग करें, है ना, तो इसको स्पष्ट भी किया गया। वहीं थोड़ा सा हम यहाँ पास ये भी देखने का प्रयास करेंगे निजता का अधिकार और पारदर्शिता एवं सूचना का अधिकार, इनमें किस प्रकार से देखने को असंतुलन, कभी कभी इसमें भी संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पास न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि आईटीआई के अंतर्गत न्यायाधीश जो न्यायाधीश हैं उनके संपत्ति आदि की तो जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती है, क्योंकि इससे जो न्यायाधीश हैं उनकी निजता का अधिकार प्रभावित होता है, है ना। वहीं न्यायालय ने यह भी कहा है कि प्रत्येक आरटीआई के अंतर्गत मोटिव या उद्देश्य को ध्यान में रखना होगा, है ना, कि आखिर उद्देश्य उसका क्या है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। अगर कहीं जनहित में सूचनाओं की मांग हो रही है, वहीं दूसरी ओर स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा है, तो किसी मामले में गोपनीयता की भी आवश्यकता होगी, तो वहाँ पास इन दोनों चीज़ों पर डिस्प्यूट देखने को मिलता है तब वहाँ पास गोपनीयता को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, है ना, ये ध्यान देने वाली बात है, है ना। और यदि हम देखें कि कुछ और भी जैसे देखते हैं कुछ डिस्प्यूटेड चीज़ें रहा करती हैं, है ना, तो और देखें कि कॉलेजियम व्यवस्था है वर्सेस सूचना का अधिकार, इनमें किस प्रकार का यदि हम संबंध के देखने का प्रयास करें, है ना, कॉलेजियम व्यवस्था भी आप लोग देखते होंगे किस प्रकार जो जजों की नियुक्ति संबंधी इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कह सकते हैं कि नेपोटिज्म वैसे आरोप लगते रहते हैं, है ना, तो इसमें भी यदि देखें तो यहाँ पर जैसे कॉलेजियम व्यवस्था है उसके संबंध में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि कॉलेजियम में सूचनाओं को दो रूपों में देखा जा सकता है, पहला इनपुट एवं दूसरा आउटपुट। कॉलेजियम का जो आउटपुट है वो न्यायाधीशों के चयन से संबंधित अंतिम निर्णय है जो कि सार्वजनिक होता है ये, लेकिन जो इनपुट के अंतर्गत जो न्यायाधीशों के विभिन्न सूचनाओं का डेटा होता है जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे जो न्यायाधीश हैं उनकी निजता के अधिकार का हनन होता है, है ना। तो अब इसमें हम आर्टिकल की तरफ देखें आगे, तो अब आर्टिकल पे देखते हैं, वो तो हम लोगों ने थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड जानने का प्रयास किया, आर्टिकल पे देखते हैं। तो जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं उनके कार्यालय को आरटीआई कानून के दायरे में लाया यहाँ पास जाए या ना आए, मतलब कि इनके कार्यालय को आरटीआई के दायरे में लाया जाए या ना लाया जाए, तो इस संदर्भ में जो धारणा थी उसी की वजह से जैसे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि डिलेमा देखने को मिला था। हालांकि ये मामला तो जो दिल्ली हाईकोर्ट ने इस चीज़ को पहले ही स्पष्ट कर दिया था, है ना, 2010 में के ही समय, लेकिन ये चीज़ें फिर वहाँ पास मतलब डिस्प्यूटेड होती चली गई। महासचिव ने जो है तो सुप्रीम कोर्ट के उस मामले में मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब सूचना देने से संबंधित जो तो इनकार कर दिया था। फिर यहाँ पास जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्य की संविधान पीठ ने भी इस चीज़ को स्पष्ट किया कि जो शीर्ष अदालत के प्रमुख न्यायाधीश हैं, है ना, उनका जो कार्यालय है अब सूचना अधिकार कानून के दायरे में अब आएगा, है ना, तो इससे एक प्रकार से जो अकाउंटेबिलिटी है और ट्रांसपेरेंसी है इसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिलेगा, है ना। साथ ही साथ इससे तो न्यायिक जो स्वायत्तता है वो और भी ज़्यादा मजबूत होगी, है ना। महत्वपूर्ण तो ये है कि जब आरटीआई कानून लागू हुआ था तभी उसमें ये स्पष्ट व्यवस्था थी कि कुछ अपवादों को यदि छोड़ दिया जाए तो ये सब पर लागू होती है, है ना, आरटीआई। लेकिन कुछ खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के साथ जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी संवेदनशील जानकारियों के अलावा महत्वपूर्ण मामलों में इस कानून के तहत सूचना देनी ही पड़ेगी, इस उसमें भी बातें हुई थी। लेकिन न्यायपालिका के मामले में तो कोई स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आ पा रही थी, लेकिन 2010 में जैसे दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट किया था तो वही मतलब हम लोगों ने इसमें डिस्कस भी किया है, है ना। तो अब ये जो जैसे ताजा फैसला आया तो इसमें अदालत ने ये चीज़ जैसे एक्सेप्ट की है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश का जो कार्यालय है एक पब्लिक अथॉरिटी यानी सार्वजनिक उपक्रम है, इसका सभी न्यायाधीश भी आरटीआई के दायरे में आएंगे, है ना, ये महत्वपूर्ण इसमें माना जा सकता है। अब देखते हैं कि इसके बावजूद भी जैसे इसमें पहले से जारी कुछ गोपनीयता है तो वो तो बरकरार रहेगी, ये स्पष्ट भी किया गया है, हम लोगों ने देखा भी अभी, है ना। लेकिन यदि देखें कि आरटीआई की महत्वपूर्ण तो हर व्यक्ति मतलब उसके बारे में तो पता ही है, है ना, हम उसके कुछ महत्वपूर्ण टूजी घोटाले, है ना, इनमें इसकी महत्वपूर्णता को देख भी चुके हैं ना। लेकिन जैसे कि देखते हैं कि शासन तंत्र में पारदर्शिता कायम करने से लेकर के गोपनीयता के नाम पर जो कुछ भी छिपाई गई जो जानकारियाँ होती हैं उनको भी सामने लाने की ज़रूरत है ना।
जैसे देखते हैं कि इसे बहुत सी जानकारी ऐसी मतलब सामने आती भी रही हैं, लेकिन ऐसे में कुछ मामले जैसे सामने आए, जैसे कि बात करें तो सूचना और निजता के सिद्धांत के बीच भी कुछ टकराव की स्थिति देखने को मिली थी, है ना। तो यदि हम देखें तो यहाँ पास जैसे पिछले कुछ सालों के दौरान जैसे ऐसे भी कुछ सवाल देखने को मिले कि कुछ मामलों में आईटीआई को हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है ना, इसका दुरुपयोग भी देखने को मिले हैं आईटीआई के, है ना। तो इसी के संदर्भ में जो तो अदालत ने भी मतलब कि ये आगाह किया था कि न्यायपालिका के मामले में अगर आईटीआई के जरिए जानकारी मांगी जाती है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है तो निगरानी रखने के हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता और पारदर्शिता के मसले पर विचार करते समय न्यायिक स्वतंत्रता को ध्यान में रखना होगा, है ना। न्यायिक स्वतंत्रता को ज़्यादा प्रायोरिटी देने की बात यहाँ पास की गई है। वहीं देखें कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है, पदोन्नति है और स्थानांतरण के मामले में प्रक्रिया संबंधी सूचना देने के सवाल को एक प्रकार से बहस का यहाँ पर विषय माना गया था, है ना। तो देखें कि निजता के दायरे को यदि छोड़ दिया जाए तो न्यायाधीशों के जो ट्रांसफ़र वगैरह है, उनके प्रमोशन से रिलेटेड जो प्रक्रियाएँ हैं, है ना, उसमें जो है तो काफ़ी ज़्यादा पारदर्शिता की अपेक्षा की गई थी। तो शायद इसी कारण जो है तो अदालत ने पारदर्शिता के समानांतर निजता के अधिकार को भी एक महत्वपूर्ण चीज़ माना है और जो मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय है उसे सूचना देते वक्त उसके संतुलित होने की अपेक्षा पर भी ज़्यादा प्रकाश डाला है, है ना। दोनों को बैलेंस स्थापित करने की बात यहाँ पास की गई है, है ना। ये जो डिसीजन अब हाल ही में अपडेट हुआ था तो अब ये तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि आशा भी की जा सकती है कि एक प्रकार से ये महत्वपूर्ण इसके आउटपुट भी देखने को मिलेंगे, है ना। और जो है तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक न्याय जो न्यायालय है या न्यायिक प्रक्रिया है, न्याय प्रणाली है, तो उसमें भी कह सकते हैं कि एक बेहतर ये सुधार का इसको चरण माना जा सकता है, है ना। तो यदि हम थोड़ा सा कुछ और भी चीज़ें आरटीआई के बारे में जानें तो आरटीआई में कुछ चुनौतियाँ भी देखने को मिलती रहती हैं समय समय में, है ना। तो उनके बारे में हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि आपको मेंस कैंसर राइटिंग में कुछ इसके बारे में यदि डिस्कस करने की बातें आएंगी, इसके कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव, तो ये चीज़ें भी मतलब कि आप यहाँ पर इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। तो देखिए कि इसके सामने क्या चैलेंजेस हैं आरटीआई के सामने, तो इसमें बहुत से चैलेंजेस तो इस प्रकार, जैसे कि लोग बहुत कम ही लोग इसके बारे में जानते हैं, तो जागरूकता के इसमें अभाव देखने को मिलता है। और यदि हम देखें कि एक सर्वेक्षण में तो ये भी देखने को मिला है कि उसमें जैसे भाग लेने वाले लगभग सभी प्रतिभागियों में से मात्र 15% ही आरटीआई एक्ट के बारे में जानते थे, है ना। ये सर्वे जब हुआ था तो उसमें तो हम देख सकते हैं कि कितना कम लोग इसके बारे में जानते हैं। और ये भी बात देखने को मिली थी कि अधिकतर लोगों को इस बारे में या तो मीडिया से पता चला या फिर किसी अन्य व्यक्ति से जानकारी मिली है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आरटीआई संबंधी जो जागरूकता है उसको लेकर के उसकी जो नोडल एजेंसी है उसका कार्य जो है तो बहुत ही सीमित है, है ना। और जो जानकारी दी जाती है तो इसमें भी थोड़ा सा और भी ये देखने को कुछ सूचनाएं जो दी जाती हैं तो इसमें काफ़ी खराब गुणवत्ता की सूचना भी कभी कभी प्रदान की जाती होती है, ये भी इस प्रकार से जो चुनौती के तौर पे इसको देखा जा सकता है, है ना। वहीं देखते हैं कि आरटीआई करने वाले जो 75% कार्यकर्ता थे वो प्राप्त सूचना से पूरी तरह से संतुष्ट भी नहीं होते हैं, तो ये भी देख सकते हैं कि इसका फीडबैक भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं देखने को मिला है। वहीं देखें कि आंध्रा और उत्तर प्रदेश के लगभग 91 और 96% याचिकाकर्ताओं ने आरटीआई के तहत प्राप्त सूचना के संबंध में असंतुष्टि जाहिर की थी, ना। ये तो अपने मतलब के सर्वे मतलब किए गए थे तो इसमें ऐसे आंकड़े देखने को मिले थे। अब कुछ समय पर सूचना भी नहीं प्राप्त होती है, ये भी इसकी कह सकते कि लापरवाही इसको भी कहा जा सकता है, बेहतर तरीके से सुचारू ढंग से काम नहीं कर रहा है, है ना। इसमें कुछ प्रावधान भी किए गए हैं कि जैसे कि बात करें कि किसी भी सामान्य परिस्थिति में सूचना को लगभग 30 डेज के भीतर देना होगा, हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया। वहीं सर्वेक्षण में तो ये भी सामने आया कि जैसे सूचना के कुप्रबंधन के कारण लगभग 50% याचिकाकर्ताओं को इस अवधि के भीतर आवश्यक सूचना प्राप्त नहीं होती, यानी कि जो यहाँ पर इस एक्ट में 30 दिन के भीतर सूचना देने की बातें की गई थी, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से विफल भी रहा है कि 50% ऐसे याचिकाकर्ता थे उनको टाइम से उनकी जो सूचनाएं उन्होंने मांगी थी तो उन्हें नहीं मिली हैं। अन्य चैलेंजेस की बात करते हैं तो नौकरशाही में अभिलेखों को रखने और उनके संरक्षण की व्यवस्था पर बहुत कमजोर देखने को मिल रही है। वहीं सूचना आयोग को चलाने के लिए पर्याप्त अवसर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ की भी कमी देखने को मिल रही है। वहीं सूचना के अधिकार कानून के पूरक कानून जैसे कि विसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम का कुशल क्रियान्वयन भी नहीं हो पाया है। जो विसल ब्लोअर जो संरक्षण की बातें हैं तो ये भी जैसे चर्चित ही रहता है ना। तो हालांकि जैसे कि विसल ब्लोअर की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना, तो इनके लिए कुछ शासन ने कोई ज़्यादा ठोस प्रावधान नहीं किया गया कि इनके सुरक्षा के लिए किया जाए, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा रिस्की काम ही होता है कि इनकी जो आइडेंटिटी यदि मतलब इनकी जो कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन यदि बाहर इनका डाटा आ जाता है इनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा खतरे के लिए होता है ना। वही सूचना का अधिकार कानून के जो पूरक कानून जैसे कि विसल ब्लोअर संरक्षण तो हम लोग देखिए, वही देखिए सूचना का अधिकार और निजता का अधिकार इनमें भी कभी कभी टकराव देखने को मिलता है। वहीं सैद्धांतिक तौर पर जो सूचना का अधिकार और निजता का अधिकार है एक दूसरे के पूरक होने के साथ ही एक दूसरे के विरोधी भी हैं, यहाँ पर दोनों चीज़ें कंट्राडिक्शन बातें भी हो रही हैं, है ना, कि विरोधी भी हैं तो पूरक भी हैं। और एक और जहाँ आरटीआई सूचना तक पहुँच के दायरे को बढ़ाता है तो वहीं निजता का अधिकार सूचनाओं को गोपनीयता पर बल देता है ना।
तो उस आर्टिकल में इतना ही। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये आर्टिकल है वर्जनाओं का जोड़ घटाओ महिलाओं के हिस्से ही क्यों। यहाँ पर इसको बेहतर आर्टिकल कह सकते हैं, ये आपका जो टेम्परामेंट है या जो आपका माइंडसेट है इसको भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि कुछ मतलब जो है तो तोड़ने का, जो पुरानी धारणाएं बनी हुई हैं तो उसको भी तोड़ने का ये काम कर सकता है एडिटोरियल। काफ़ी अच्छा एडिटोरियल इसको कहा जा सकता है। यदि हम देखते हैं जैसे सबरीमाला मंदिर में जो महिलाओं के प्रवेश संबंधित जो वर्जनाएँ थी ना, उनमें की 10 से 50 साल तक की जो उम्र की महिलाएँ उनको सबरीमाला में प्रवेश पर पाबंदी थी है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि 7 जजों की जो बेंच थी उसका फैसला करेगी। इसके पहले जो है तो 5 जजों की बेंच ने फैसला किया था, उसने तो अलाउ कर दिया था ना। हालांकि इंदु मल्होत्रा जो उनमें से थी तो उनका जो फैसला था तो उन्होंने जो है तो रिलीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था है ना, कि उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर भी जो है तो 4-1 के कह सकते कि जो फैसला आया था 4-1 से, तो मतलब कि इस मामले में प्रवेश के लिए वो किया था। लेकिन अब फिर से इसमें जो है तो सुप्रीम कोर्ट जो है तो 7 जजों की बेंच जो है तो इसका फैसला करने वाली है। तो यदि हम देखें तो यहाँ पास जैसे अभी तक जो बात करें कि इसमें सबसे पहले सवाल यही आता है कि क्या वर्जनाओं का जोड़ घटाओ और सारा हिसाब किताब जो है तो सिर्फ महिलाओं के ही से लिखा गया है, क्या उन्हीं को इस प्रकार से जो पाबंदियाँ हैं हर जगह है ना इस तरह चीज़ें देखने को मिल रही हैं। वहीं क्या संविधान मंदिरों या फिर किसी भी धार्मिक स्थल पर प्रवेश के लिए महिलाओं को समान अधिकार नहीं देता है, ये भी सवाल उठता है ना। जब देश का संविधान महिलाओं को किसी धार्मिक अधिकार से वंचित नहीं रखता तब किसी भी और तरीके से या कानून के आधार पर उसे रोका जाना कहाँ तक सही है ना। यदि हम देखें कि सुनवाई में जैसे कोर्ट ने सबरीमाला केस के साथ महिलाओं से जुड़े अन्य मामलों का भी एक का से जो तो जिक्र किया था, जैसे कि जिसमें हम देखें जैसे मस्जिद है ना, दरगाहों में प्रवेश संबंधित जो वहाँ पर उनमें भी प्रतिबंध देखने को मिलते हैं। वही हम बात करते हैं पारसियों को जो उनका पूजा स्थल है अग्यारी, उसमें भी जो है तो गैर पारसी महिला उनकी एंट्री को प्रोहिबिटेड किया गया है। वहीं देखते हैं कि बोहरा कम्युनिटी में भी लड़कियों को खतने की जो कुप्रथा है वो भी देखने को मिलती है। तो इसमें जो है तो इससे रिलेटेड जो वर्जनाएँ ये देखने को मिलती है हमारे समाज में, तो इससे रिलेटेड भी जो है तो कोर्ट का ये कहना है कि एक बड़ी बेंच ही इन सारे मामलों को सॉर्ट आउट कर सकती है ना। लेकिन क्या जरूरी ये नहीं है कि महिलाओं के अधिकार से जुड़े इस मसले को समाज और लोग जो है तो इन कोर्ट के चक्कर से हट करके एक तरह से आम सहमति से अपने खुद ही इन चीज़ों को हटाएं है ना, ये रूढ़ियाँ हैं इनको हटाने का प्रयास करें और इन चीज़ों इसमें से कुछ कह सकते हैं कि जो चेंजेस हैं है ना, तो उसको एक प्रकार से कह सकते हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ जो है तो इन चीज़ों को खुद ही गलत जो कुरीतियाँ हैं रूढ़ियाँ हैं उनको हटा करके और बेहतर तरीके से तार्किक ढंग से उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाए है ना। तो बराबरी और आधुनिकता की बातें और दावे करने वाले तो इनकी प्रथाओं का विरोध ही करेंगे है ना करेंगे। क्या कारण है कि पुरुषों पर एक पाबंदी का जिक्र या मसला कभी भी सुनने को नहीं मिल रहा है, ये भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि इस प्रकार से विभेदता का वो चीज़ है, ये सामंती इसको दृष्टिकोण भी कहा जा सकता है। स्टार्टिंग से ये चीज़ें पहले से ही थी है ना कि जितने भी वर्जनाएं हैं है ना तो ये महिलाओं के संदर्भ में ही ज़्यादा देखने को मिलती है, पुरुषों के संदर्भ में ये चीज़ें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। वहीं जैसे कि उन्हें किसी भी अधिकार के लिए जैसे लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती पुरुषों के संदर्भ में बात की जाए तो सबरीमाला में प्रवेश की भी लड़ाई है, तो इसमें तो पिछली जैसे कोर्ट ने महिलाओं के हित में फैसला सुनाया था। तो यदि अब देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पास समाज में मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें विरोध भी देखने को मिला था है ना, तो वहीं एक बात महत्वपूर्ण बात तो ये भी कि यहाँ पास जो तो इस लड़ाई को तो महिलाओं ने खुद ही मतलब कि बढ़ाया था, तो ये एक प्रकार से इसको अच्छा कदम माना जा सकता है कि जो नारी विमर्श है या नारी चेतना है तो वो भी एक प्रकार से समाज में अपने आप को बेहतर तरीके से जो है तो अपनी जो उनकी कह सकते हैं कि राइट टू एक्सप्रेशन है उसको बेहतर तरीके से अपनी जो जरूरतें हैं है ना जो भी रूढ़ियाँ उनको हटाने की और खुद ही ज़्यादा सशक्त होने की बातें कर रही, तो ये भी इसको कह सकते हैं कि बेहतर तरीके से समाज में जागरूकता का ये एक संदेश हो सकता है ना। और ये देखें कि जैसे पिछले डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने किया था तो उसमें भी जो है तो इसमें किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई थी, यानी जो फैसला आने तक महिलाएँ जो है तो सबरीमाला में जाती रहेंगी, ये तो उसमें कोई वो नहीं था ना। इसमें आगे ही जो तो 7 जज की बेंच जो है तो फैसला डिसाइड मतलब वो भी जो भी फैसला देगी तो वो देखा जाएगा है ना। और देखते हैं कि जैसे कि महिलाएं जो मंदिर जाने की भी कोशिश करेंगे उसी समय तो उन्हें रोकने के भी काफ़ी ज़्यादा प्रयास होंगे, लेकिन इसी उस पर देखा जाए इन गतिरोधों पे तो नुकसान जैसे होगा तो इसमें धार्मिक भावनाओं का इनमें कुछ मतलब कि कह सकते हैं नकारात्मक संदेश भी जाएगा ना, जैसे कि धार्मिक भावनाएं हैं तो वहीं एक प्रकार से जहाँ पर हम एक प्रकार से कहते हैं कि ये तो नारायण तो पूजन तेरा मंत्र तत्व देवता, तो यहाँ पर देखें जहाँ पर महिलाओं को देवी कहा देवी की संज्ञा दी जाती है लेकिन किसी अनिवार्य प्रकृति पर निर्भर शारीरिक प्रक्रिया के चलते उनका जो मंदिर जाने में एक प्रकार से कह सकते कि हम इस संकीर्ण मानसिकता से ये सोचें तो एक प्रकार से कह सकते कि तो नारी की अवहेलना ही कहना इसको कहा जा सकता है ना। तो इस आर्टिकल में इतना ही, अब आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।